हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग हमारा कैश फ्लो चैप्टर है, कैश फ्लो जो आप लोगों ने प्लस टू में भी किया होगा एंड रिपीट है हम लोगों को बीकॉम में, तो हम लोग उस चैप्टर को कवर अप करेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब ध्यान से करने वाले हैं एंड थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा चैप्टर को करने में, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर 90.6% ऐसे लोग आते हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सो दैट हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइज लेट स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए गाइज हमारा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट हम इसका थोड़ा सा बेसिक सा मीनिंग समझेंगे एंड देन हम लोग इसके मेथड्स को देखेंगे, मतलब क्वेश्चंस ही करेंगे आज हम लोगों का। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड जो अंडर दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, कवर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, कोई भी आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने आधी सुनी वो गलत हो सकती है, सो पूरी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में लेकर चलिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का इसका मीनिंग देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द इनफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये क्या डिस्क्राइब करती है कि क्या इन हुआ है हमारे कंपनी में, क्या इनफ्लो हुआ है। डिस्क्राइब द इनफ्लो सोर्सेज एंड आउटफ्लो यूजेस ऑफ कैश, कि क्या हमारी कंपनी में आया है और क्या हमारी कंपनी से गया है, आउटफ्लो क्या गया है। एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या हमारे कंपनी में कितने लिक्विड एसेट्स हैं जो ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब लिक्विड एसेट ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कि ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कैश फ्लो का बेसिक काम क्या है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि डिस्क्राइब करती है कि कंपनी में कितने इनफ्लो है, कितने आउटफ्लो है, कितने कैश इक्विवेलेंट्स है। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब पता चल गया, क्या बताते हैं कि कंपनी में कितने, कंपनी के बारे में बताते हैं कि एक स्पेसिफिक पीरियड में कंपनी में क्या क्या चीज़ें थी, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, बेसिक मीनिंग। ठीक है, इन माई वर्डिंग। आफ्टर दैट इसके ना तीन कैटेगरीज है कैश फ्लो की। थस कैश फ्लो आर क्लासिफाई इंटू थ्री मेन कैटेगरीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फर्स्ट हम लोग देखो गाइस ध्यान से इस चैप्टर को लेके चलना, बेसिक ये चैप्टर इन तीनों के ऊपर है बट अगर आप समझोगे तो ईजी रहेगा। तो गाइस अगर आप आज की वीडियो में हमारा कंसंट्रेट करो ध्यान से, तो इसके अंदर हमारी तीन कैटेगरीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इसमें तीन है, तीन में से आज की वीडियो में आप पहली का सिर्फ पहला पार्ट उठाएंगे और बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्या किया है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग के अंदर फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट अगेन डायरेक्ट निकालना है इन दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, बहुत इजीली आपको समझ आने वाला है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। एंड सो गाइज देखते हैं अब हम लोग हमारे ऑपरेटिंग, मैंने आपको पहले बोला ऑपरेटिंग के अंडर हम लोग पहला मेथड करेंगे डायरेक्ट मेथड आज की वीडियो में। ठीक है जी, ऑपरेटिंग के अंदर फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड हमारा इन्वेस्टिंग के अंदर भी है, फाइनेंसिंग के अंदर भी है, बट हम सिर्फ आज ऑपरेटिंग के अंदर वाला करेंगे, बहुत इजीली कवर हो जाएगा। पहले एक बार इसका थोड़ा सा फॉर्मेट देख लो कि बेसिक इसका फॉर्मेट है क्या, अगर आपको फॉर्मेट क्लियर है देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इधर है, कैश जो भी आपको कस्टमर से रिसीव हो रही है वो सिंपली यहाँ पर ऐसे ही लिख दोगे, और जो आप कैश सप्लायर को पे कर रहे हो उसको ब्रैकेट्स मींस माइनस में लेके चलना है। जो भी आप कैश सप्लायर को पे कर रहे हो उसको माइनस में लेके चलना है, इन दोनों की कैलकुलेशन करके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकल आएगी। देन अगर आपने कोई इनकम टैक्स पे किया है तो उसको डिडक्ट कर दोगे, आफ्टर दैट आपकी वैल्यू निकल आएगी कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स से पहले इतना कैश फ्लो था, आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को ऐड कर देंगे तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो हमारा कैश इतना आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, तो ये सिंपल है बिल्कुल, जो आपको आज की वीडियो में जितना टॉपिक हम लोगों ने कवर करना है। ठीक है, नीचे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इन्वेस्टिंग का भी है डायरेक्ट मेथड और फाइनेंसिंग का भी है, बट ये हमने अभी नहीं करना है, हम सिर्फ फोकस करेंगे आज का हमारा डायरेक्ट मेथड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा समझें, ध्यान से देखिएगा, इसकी एग्जांपल्स के थ्रू बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। पहले ये देखिए हमारा डायरेक्ट मेथड है, अब इसका थोड़ा सा पहले मुझे आपको बेसिक समझाना है। देखिए अगर तो आपको, ठीक है, सेल्स गिवन है, अगर आपको सेल्स गिवन है तो आपने उसके सेल्स का सेल क्रेडिट सेल्स गिवन है आपको, तो ट्रेड डेटर्स भी गिवन होंगे, ट्रेड ओपनिंग के डेटर्स भी गिवन होंगे, क्लोजिंग के डेटर्स भी गिवन होंगे। तो अगर आपने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जैसे हमने फॉर्मेट देखा कैश रिसीव में से माइनस करना है कैश पे,
मैंने अगर आपको फॉर्मेट अगेन दिखा देती हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, कैश रिसिप्ट माइनस कैश पे, ठीक है। तो कैश रिसिप्ट और पे भी तो निकालना आना चाहिए ना। कैश रिसिप्ट कैसे निकलेगी, कैश रिसिप्ट निकालने के लिए आपको सेल्स, सेल में ओपनिंग डेटर्स ऐड एंड क्लोजिंग डेटर्स लेस करने हैं, तो आपकी सेल क्रेडिट कैश रिसीव निकल आएगी, ठीक है। कैश पे कैसे निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपको गिवन होंगे उसमें ऐड करना है क्लोजिंग एंड लेस करना है ओपनिंग, लेस करना है ओपनिंग परचेज ऑन एक्यूरल बेसिस। उसके बाद आपके क्रेडिट परचेजेस जो आपको गिवन होंगी उसमें ओपनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स, क्लोजिंग ट्रेड क्रेडिटर्स। देखो पहले आपने देखा था सेल्स में ओपनिंग ट्रेड डेटर्स और क्लोजिंग, ठीक है, ये सेल्स के लिए और ये परचेज के लिए, क्रेडिट परचेज के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड क्रेडिटर ऐड क्लोजिंग माइनस, तो कैश पे टू सप्लायर ये हो जाएगी हमारे, ठीक है। सेम ऐसे अगर कोई पी एंड एल है तो उसका बैलेंस गिवन है तो अकॉर्डिंग टू दैट ओपनिंग एट क्लोजिंग माइनस, ये चीज़ आपने करनी है। एक एग्जांपल करेंगे आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारी, इसमें हमें टोटल सेल गिवन है, ठीक है, टोटल परचेज ऑफ द ईयर गिवन है, सेल भी गिवन है परचेज भी गिवन है, दोनों को रख लो। एक सेल्स 2,50,000 है, परचेज हम लोगों की 2,00,000 है। अब इन दोनों में ओपनिंग एंड क्लोजिंग का पंगा करना है, तो ट्रेड डेटर्स किस में लेने थे, सेल्स में। ओपनिंग ट्रेड डेटर्स हैं 12,000 के, इसमें 12,000 ऐड कर दो, और क्लोजिंग डेटर्स कितने के हैं, 14,000 के नहीं 20,800 के, तो 20,800 लेस कर दो, ठीक है। ये देखो नीचे देखो, यहाँ पे सबसे नीचे सेल्स ऑफ द ईयर गिवन है 2,50,000, प्लस किया उसमें 12,000 जो हमने यहाँ पे किया था, देखो माइनस करना है 20,800, तो 20,800 कर दिया लेस ट्रेड डेटर्स क्लोजिंग, कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर आ गया हमारी वैल्यू, ठीक है, जो हमें ऑपरेटिंग का मेथड, डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए चाहिए, कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। अब कैश पे कैसे निकालनी है हमें, उसके लिए क्या चाहिए, परचेजेस पहले हम लोगों ने परचेजेस ले ली, फिर हम लोगों ने लेने हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स देन क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं, 12,000 के, क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं, 14,500 के, और क्लोजिंग कितने के हैं, 21,600 के। तो ये दोनों ले लिया हमने, 14,500 एंड 21,600, तो ये आ गया 1,92,900 रुपीज़ के हमारे कैश पे टू क्रेडिटर फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, ये वैल्यू निकल आई हमारी। अब जो परचेजेस वाला सिस्टम केस होएगा उसके अंदर आपको और भी जो एक्सपेंसेस हैं उनको इंक्लूड करके लेना है, सेल में आपने वो चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी, परचेज की है और एक्सपेंसेस परचेज के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है, क्योंकि आप परचेज करने में भी खर्चा आपका हुआ, कैश आपने पेमेंट की, और अगर एक्सपेंस हुए तो उसका पेमेंट भी आपने की, बट जब आपने सेल की तब आपने कैश रिसीव की, ठीक है, सेल वाला केस अलग कर देना है, और जो आपने परचेजिंग की और जो आपने एक्सपेंसेस लगाए, अगर आपने कुछ एक्सपेंस किया तो बदले में कुछ तो आया होगा ना, आपने एक तरह से वो भी परचेजिंग हुई, तो उस सारे को आपने परचेज वाले सिस्टम में ऐड करना है। अब हमारा यहाँ तक आ गया परचेज वाला, अब आगे चलते हैं, आगे और क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ ले ली हैं। अब आगे क्या गिवन है हमें देखिए, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग गिवन है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग देखो, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर ये लिख लिए, ओपनिंग ऐड जो आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग है वो ऐड और क्लोजिंग है वो माइनस, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद देखो हमें गिवन क्या है, और एक प्रीपे का ओपनिंग गिवन है, एक प्रीपे का क्लोजिंग गिवन है, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस, ये आउटस्टैंडिंग थे, ये प्रीपे है। अब जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग के साथ की है ना प्रीपे में, उसका ऑपोजिट करोगे आप, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग ईयर के आपने ऐड किए थे तो प्रीपे जो ओपनिंग के हैं वो लेस होंगे, आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग के थे अगर वो ऐड हुए हैं तो प्रीपे ओपनिंग के माइनस होंगे, और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग के लेस हुए हैं तो प्रीपे क्लोजिंग के ऐड होंगे। ये चीज़ करने के बाद आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा सारा प्लस माइनस जो भी आपने उधर सीखा करके 10,300। अब आप लोगों ने इस अमाउंट को जो ऊपर कैश परचेज का निकाला और 10,300 को ऐड करके लेना है कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय, ये आपका निकल आया जो आपने पीछे अमाउंट डालना है,
कैश रिसिप्ट मैंने आपको अभी बताया था कैसे निकाला हम लोगों ने, ठीक है, वो ले लिया। कैश जो पे किया है उसको आपने ब्रैकेट में रखना है, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मेट में देखा था उसको ब्रैकेट में रखना है। तो ये दोनों माइनस होंगे, 38,000 आ गया। आफ्टर दैट मैंने बताया था जो आपने ये निकला है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, आफ्टर दैट आपने इनकम टैक्स अगर कोई पे किया है ड्यूरिंग द ईयर तो उसको डिडक्ट करना है 2,000 का। तो 36,000 रुपीज़ आ गया हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लैरिटी हुई होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। एक एग्जांपल और है आपके सामने, यहाँ पे देखिए आपको कैश सेल्स गिवन है फॉर द ईयर 70,000, नेट क्रेडिट सेल्स गिवन है, उसके बाद कैश परचेज, नेट क्रेडिट परचेज, कमीशन रिसीव हुई टोटल, ये आपको सब कुछ गिवन है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स गिवन है, ये इनके सबके ओपनिंग एंड क्लोजिंग्स गिवन है। ठीक है, अब आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का, तो ये सिस्टम अभी मैं जैसे वर्किंग नोट निकालेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कर रखा है। तो पहले वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। पहले यहाँ पे देखो कैश सेल्स गिवन है, कैश सेल्स हैं इतने की, ठीक है, कैश सेल्स इतने की हैं। उसके बाद आपने कैश सेल्स में क्या करना होता है, कैश रिसीवेबल, जो ट्रेड रिसीवेबल है इसका ओपनिंग एट क्लोजिंग माइनस, ओपनिंग एट 70,000 में 40,000 ऐड कर दो, 45,000 डिडक्ट कर दो। तो ये देखिए ये कर रखी है कैलकुलेशन, तो ये आ गया 3,45,000, सेम जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो हमारा कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर जो था वो निकल आया 3,45,000। ठीक है, सेकंड हमने क्या निकालना है, कैश पे टू सप्लायर या एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय को जो भी हमारा खर्चा हुआ है, चाहे हमने कुछ परचेज किया है चाहे हमने कुछ एक्सपेंस किया है, सब कुछ लेना है इसके अंदर। अब सेकंड देखो, एंड एक चीज़ और यहाँ पे जो आपने टोटल सेल ली है, टोटल सेल यहाँ पे अगर क्वेश्चन में गौर करो तो हमें कैश सेल एंड क्रेडिट सेल बोथ सेल्स आर गिवन, तो हमने बोथ सेल्स लेनी है, दोनों लेनी है, मतलब ये नहीं है एक ही लेनी है। देखो कैश प्लस क्रेडिट दोनों सेल्स लेनी है। ठीक है जी, आफ्टर दैट परचेज वाले में क्या है, हमें कैश परचेज भी गिवन है, क्रेडिट परचेज भी गिवन है, तो दोनों परचेजेज लेंगे। परचेज में हमें लेने हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर है 75,000 ओपनिंग, 15,000 क्लोजिंग। तो फर्स्ट हमने सिंपली वही करा है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, ट्रेड ओपनिंग क्रेडिटर्स के ओपनिंग एड क्लोजिंग माइनस करके हमारी ये वैल्यू निकल आई 3,70,000। ठीक है जी, 3,70,000, आई होप आपको क्लैरिटी होगी यहाँ तक कैसे आई है। आफ्टर दैट क्या है हम लोगों का, यहाँ पे देखिए कमीशन रिसीव, आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, कमीशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब आप लोग अगर ध्यान से देखें तो कमीशन रिसीव का पॉइंट यहाँ पे है, कमीशन रिसीव से रिलेटेड यहाँ पे कोई एक्सपेंस गिवन है आपको, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, ऐसे ही हम लोग ऑपरेटिंग अकाउंट में ले लेंगे। आफ्टर दैट हमें गिवन है टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस फॉर द ईयर, टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस जो आपको गिवन है कितने के है, 22,000 के, और उसके ऊपर ऑफिस आउटस्टैंडिंग कितने के गिवन है, 45 and 15, ओपनिंग एड क्लोजिंग माइनस। ठीक है, सेम इसी के आउटस्टैंडिंग के साथ प्रीपे गिवन है, ये भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के है, तो जो ट्रीटमेंट इसके साथ करोगे आउटस्टैंडिंग के साथ उसकी ऑपोजिट हो जाएगी प्रीपे के साथ। ठीक है ना, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो ये देखो यहाँ पे कर रखा है टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग एड आउटस्टैंडिंग के क्लोजिंग माइनस, तो इसके ऑपोजिट प्रीपे के क्लोजिंग एड होंगे और प्रीपे के ओपनिंग माइनस होंगे। तो ये कैश आपका निकल आया, यहाँ पे आपका कैश निकल आएगा 29,000, तो 3,70,000 प्लस 29,000 3,99,000 आ जाएगा कैश पे टू सप्लायर। ठीक है जी, आफ्टर दैट आप लोगों ने क्या करना है, एक चीज़ रहेगी बस हमारी, इसमें हमें इनकम टैक्स के ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर कितना है 4,000, और इनकम टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। कुछ नहीं करना, ओपनिंग ऐड कर दो, क्लोजिंग माइनस कर दो, बस इनकम टैक्स निकल आया। देखो मैं दिखा रही हूँ, ओपनिंग टैक्स कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स पे, ये रहा हमारा 5,000, आफ्टर दैट 4,000 ओपनिंग एड क्लोजिंग 6,000 माइनस 3,000 का आ गया आपका इनकम टैक्स पे। अब जो भी वैल्यूज यहाँ पे आपने निकालनी है, कैश रिसिप्ट, कैश पे और इनकम टैक्स, ये तीनों यहाँ पे ले ली। कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, कैश जो रिसिप्ट हुई 3,45,000, कैश पे को हम लोगों ने ब्रैकेट में रखना है 3,99,000। आफ्टर दैट एक पॉइंट हमने यहाँ पे स्किप किया था, कमीशन रिसीव, क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन था, कमीशन रिसीव एज इट इज हम लोगों ने उठा लेनी है। कमीशन रिसीव जो यहाँ पे आई थिंक यहाँ ये डाली हुई है 2,000 की, ठीक है। आफ्टर दैट इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेशन बिफोर टैक्स आ गया आप लोगों का 52,000, वो भी माइनस में, 52,000 इज माइनस, क्योंकि ये माइनस वाला लिया था ना हमने, तो ये इसकी वजह से सारी कैलकुलेशन माइनस हो गई। आफ्टर दैट जो हम लोगों ने इनकम टैक्स पे किया वो भी माइनस में था, इनकम टैक्स हम लोग ऑलरेडी माइनस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी माइनस किया, तो ये माइनस माइनस प्लस होके 55,000 आ गया आप लोगों का पॉजिटिव।
सॉरी नेगेटिव ही है बट हुआ पॉजिटिव, मतलब ऐड हुआ है, एडिशन हुआ है। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो वो प्लस किया है, वैसे साइन माइनस का आगे रहता ही रहता है। ठीक है गाइस, आई होप दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो में जो मैंने डायरेक्ट मेथड एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी इसके थ्योरी रिलेटेड कुछ समझना है तो मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है जो भी इसकी बेसिक सी थ्योरी लिख रखी है, सो दैट अगर आपका कोई डाउट है तो उसमें क्लैरिटी हो जाए। एंड गाइस, वीडियो को स्किप करने से पहले या बंद करने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मेरे चैनल पर 90.6% ऐसे लोग आते हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और जितना हो सके वीडियो को अपने क्लास ग्रुप्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपके नोन्स में हैं, जो भी आपको पता है कि जिनको ये सिलेबस है, तो प्लीज़ गाइज उनके साथ वीडियोज़ को शेयर करा करो, सो दैट मेरी भी हेल्प हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके, सबका भला हो सके। ठीक है गाइज, तो जितना हो सके वीडियो को स्प्रेड करा करो। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड करेंगे, इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड करा ओनली रिलेटेड टू ऑपरेटिंग। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट, उसके बाद एक दो मेथड्स और हैं, वो मैं आपको अकॉर्डिंग टू दी वीडियो बताती जाऊंगी। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।